देखिए, बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा ऑफर्स, मतलब औकात से बाहर का ऑफर। 5,000 का सामान आपको 200 रुपए का मिलता है, 10,000 का सामान आपको 1,000 रुपए का मिलता है। तो अगर आपको भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविशंकर पाठक और आप देख रहे हैं माय प्राइमरी सॉल्यूशन। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं, वह वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है। कैसे पता करेंगे? तो अगर आप उस वेबसाइट की URL देखेंगे, तो वहां पर आपको URL मिलेगा https://. तो अगर वहां पर S लगा हुआ है, तो समझ लीजिए कि वह वेबसाइट सिक्योर है। अगर वहां पर केवल http://, है, तो समझ लीजिए कि वह वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और वहां पर आपको पैड लॉक का भी एक आइकन मिलेगा, एक छोटा सा आइकन रहता है जो कि https से पहले लगा होता है, लॉक का, जिसको बोलते हैं पैड लॉक। अगर उस वेबसाइट के URL में ये सब है, तो समझ लीजिए कि वह वेबसाइट सिक्योर है जिस वेबसाइट से आप शॉपिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर जो आप पेमेंट करते होंगे, हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड से करते होंगे या डेबिट कार्ड से करते होंगे, तो जब भी आप पेमेंट करते हैं, तो वहां पर आपसे पूछता है क्या आप अपने डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल सेव करना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड की पूरी डिटेल सेव करना चाहते हैं, ताकि दोबारा जब आप शॉपिंग करें, तो पेमेंट करते वक्त आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ेगी, केवल आपको CVV नंबर देना पड़ेगा, जिससे आपको वहां पर पेमेंट करने में आसानी होगी। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी आपको अपना डिटेल सेव नहीं करना है, जैसे डेबिट कार्ड का डिटेल या क्रेडिट कार्ड का डिटेल या किसी भी कार्ड का डिटेल आपको वहां पर सेव नहीं करना है। हो सकता है आप जिस वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हैं, वह वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, डरने की कोई बात नहीं है, हमारा एक भी पैसा चोरी नहीं होगा, हमारा डिटेल लीक नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए बाय चांस कभी वह वेबसाइट हैक हो जाए, तो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव है, सारी की सारी चोरी हो जाएंगी, और फिर मेरे ATM से, डेबिट कार्ड से पैसे चोरी हो सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है जिससे आपको नुकसान हो। तीसरी गलती, जो अक्सर आप लोग या कोई भी कर सकता है, देखिए, बहुत सारी वेबसाइटें ऐसी हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा ऑफर्स मिलते हैं, बहुत ज्यादा ऑफर्स, मतलब औकात से बाहर का ऑफर। 5,000 का सामान आपको 200 रुपए का मिलता है, 10,000 का सामान आपको 1,000 रुपए का मिलता है, तो लग रहा है आपको कि यह कुछ ज्यादा ही ऑफर है, तो उस जगह से आप सामान की परचेजिंग ना करें। वरना अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते वक्त उस वेबसाइट में आप अपना सारा डाटा दे देंगे, सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे, और आपके ATM कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आपके पैसे चोरी हो सकते हैं। तो जिस वेबसाइट पर ज्यादा ऑफर्स मिल रहे हैं, वहां पर आपको सोच समझ कर ही परचेजिंग करनी है। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जब भी अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेजिंग कर रहे हैं, सामान को खरीद रहे हैं, तो आप किसी ऐसे वेबसाइट से खरीदिए जिस वेबसाइट के बारे में आप अच्छे से जानते हो, उस पर आपका भरोसा हो। चौथी गलती, अगर आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर आपका अकाउंट होगा, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड बिल्कुल सिक्योर रखना है, यानी कि आपको बिल्कुल स्ट्रांग पासवर्ड बनाना है। जैसे आपको केवल लेटर नहीं रखना है पासवर्ड में, आपको केवल पासवर्ड में नंबर्स नहीं रखने हैं, आपको नंबर, लेटर और सिंबल तीनों का इस्तेमाल करना है। पांचवी गलती, जो आप लोग अक्सर करते हैं, अगर आपके फोन में इंटरनेट स्लो चल रहा है, तो आप अपने फ्रेंड का फोन ले लेते हैं, किसी पड़ोसी का फोन ले लेते हैं, या अगर आपके आसपास साइबर कैफे है, तो आप वहां पर जाकर के ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ठीक है, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, तो वहां से आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दीजिए।
जैसे वहां से आप अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए, वहां से आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए, कुकीज को क्लियर कर दीजिए, यानी कि अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वहां से डिलीट कर दीजिए ताकि आपके अकाउंट पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना रह जाए। और मैं आपसे एक और बात कहूंगा कि जब भी आप किसी दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे के फोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आप अपने फोन में उसका पासवर्ड जरूर बदल लें। तो ये थी शॉपिंग वेबसाइट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। जो आपको पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई इस वीडियो के नीचे लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाजू में आपको एक घंटी का आइकन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक करके आप उसको ऑन कर दीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।